मिसेस डॉली लिवाय, वैसे आप काम क्या करती हैं? कोई कपड़े सिलता है, कोई चित्र बनाता है, मैं औरों के मामलों में दखल देती हूँ। सबकी जानी पहचानी, सबकी प्यारी हूँ, नाम है डॉली, बुझो तो क्या है काम। हर फिल्म वाला सब कुछ जाने वाली नारी, कर सकती हूँ हर चीज का इंतजाम। बेटी की शादी करनी हो, बैंकों की किस्त भरनी हो, सब कर देगी डॉली। कुत्ते को घुमाना हो, डॉक्टर को दिखाना हो, सब कर देगी डॉली। सिलसिले में कहीं जा रही हैं या ऐसे ही घूमने फिरने? डॉली की जिंदगी में काम धंधे के अलावा और कुछ नहीं, तरह तरह के काम। तुम्हारे तो इतने धंधे हैं जितने कि एक कुत्ते के बदन पर पिस्सू। जैसा कि मेरे स्वर्गीय पति इफ्रेम लिवाय फरमाया करते थे कि जिंदगी में गुर्बत मिली हो तो समझ सकते हैं, लेकिन ख्यालों में गुर्बत क्यों? कहाँ को डाली? यॉर्क इज न्यूयॉर्क, वहाँ के जाने माने अविवाहित अदलक पति हॉरेस वैंटगेल्डर का एक बहुत ही निजी मामला संभालने जा रही हूँ। क्यों, उनसे शादी का इरादा है? अरे मिस्टर सुलिवन, ऐसा बेमानी ख्याल मेरे दिमाग में, मेरा मतलब आपके दिमाग में आया कैसे? सिस्टर ने धोखा खाया हो, मिस्टर का कर दिलाया हो, गम न करना जी। मैं कह रहा हूं
कि मैं उससे शादी जरूर करूंगा। मेरी इजाजत के बिना नहीं, कभी नहीं। ये आजाद देश है, किसी की रियासत नहीं। और मीना शादी के लिए राजी है और ये शादी होकर रहेगी। मैं कह रहा हूँ नहीं होगी। मैं कह रहा हूँ होगी। कभी नहीं। कल आज तुम और मीना के लायक नहीं हो। तुम उसकी जिम्मेदारी क्या उठाओगे? तुम ठहरे एक चित्रकार। अच्छी कमाई कर लेता हूँ मैं। कमाई मिस्टर कैंपर तब होती है जब कोई वो चीज बनाए जिसकी लोगों को साल में कम से कम एक बार जरूरत हो, और मोटी कमाई वो चीज बनाने पर होती है जिसकी लोगों को हर रोज जरूरत हो। तुम चित्रकार लोग ऐसी चीजें बनाते हो जिसकी किसी को कभी जरूरत नहीं होती। तो आप भी जान ले, हमारी नजरों में शादी का कोई भी रास्ता गलत या नाजायज नहीं है, और कोई रास्ता हम जरूर ढूंढ निकालेंगे। तो मैं एक बेवकूफ बेहोता इंसान हूँ? आप मेरी बेइज्जती कर रहे हैं। हमारी हर बात से बेइज्जती टपकती है। तशरीफ लाने के लिए शुक्रिया। अर्मीना बालिक है और कानून के अनुसार कानून का काम है अपराध रोकना, और हम अकलमंदों का काम है बेवकूफी रोकना। तुम देखना मैं कैसे अपनी भतीजी को तुमसे शादी करने से रोकता, और इसके लिए मैं जरूरी कदम भी उठा चुका हूँ। मिसेस डॉली लिवाई यहाँ के लिए रवाना हो चुकी है। डॉली लिवाई, वो शादी कराने वाली दलाल जिसे आपने अपने लिए किसी को ढूंढने को कहा है। तुम अपने काम से मतलब रखो। वो अर्मीना को अपने साथ न्यूयॉर्क ले जाएगी, और जब तक ये जुनून ठंडा नहीं हो जाता उसे वहीं पर रखेगी। अच्छा, देखता हूँ कैसे होता है। तशरीफ लाने के लिए एक बार फिर शुक्रिया। हिलिए डुलिए मत और गर्दन सीधी रखिए। अगर गले पर धार लग गई तो मेरा जिम्मा ना होगा। दुनिया में 99% लोग बेवकूफ होते हैं, और बाकियों को उनसे ये बीमारी लगने का खतरा है। बंद करो ये सब, बहुत व्यस्त आदमी हूँ मैं। अगर दाढ़ी पर एक बार रह भी गया तो कोई बात नहीं, अभी बहुत काम निपटाने हैं। तुम्हारे पास वो लोशन नहीं है जो तुम छोकरे लोगों को लगाते हो? मुझे न्यूयॉर्क पहुंचना है, जहां मेरी एक बहुत ही सभ्य महिला से मुलाकात तय है। आपकी महिलाओं से मुलाकात में मेरी कोई रुचि नहीं है, और 50 सेंट में बस इतना ही होता है। ज़बान को लगाम दो जो। अंकल हॉरेस। हाँ, क्या हुआ? आपने एम्ब्रोस के साथ क्या किया है? जरा सी प्यार भरी गुफ्तगू। गुफ्तगू? हाँ, मैंने उसे समझाया है कि वो अव्वल दर्जे का बेवकूफ है। इससे क्या मैं पिघल जाऊंगा? मैंने तुम्हारा भला किया है। जब 50 की हो जाओगी तो मेरा शुक्रिया अदा करोगी। लेकिन अंकल मैं प्रेम करती हूँ उससे। अपने आंसू न्यूयॉर्क के लिए बचा के रखो, यहाँ कोई कदर नहीं होगी इनकी। लेकिन मैं प्रेम करती हूँ उससे। नहीं करती हूँ। ये बातें मुझ पर छोड़ दो। अगर मेरी आंसू उससे शादी नहीं हुई तो मैं मर जाऊंगी। किस वजह से? टूटने की वजह से। ऐसा होते कभी नहीं सुना। मिसेस लिवाई आने वाली है, तुम तैयार हो? थोड़ा और तैयार हो जाओ, और उसके आने तक अपने कमरे में ही रहो। कॉर्नेलियस बार्नबी, बार्नबी, कॉर्नेलियस बार्नबी। आपने पुकारा।